एक एक चीज पे ध्यान दे रहे हैं, खुद खड़े होकर करवाना नहीं पड़ रहा। हाँ, सो तो है। मैंने आपको आज की विजिट रिपोर्ट भेज दी है। थैंक्स। और अब आप क्या कर रहे हैं? अभी हम दीवार की हालत देख रहे हैं। सीलन, दरारे, धूल मिट्टी, काले या भूरे दाग, ये एल्गे या फंगस की निशानी है। उसके बाद हम सरफेस को तैयार करेंगे। दीवार और छत बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, तो हमें दरारें भरनी होंगी। घर के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस या वॉल पुट्टी लगेगी, और बाहर हम इस्तेमाल करेंगे व्हाइट सीमेंट और रेत, वो भी 1:3 के हिसाब से। आप यहाँ देखिए, पेंट उखड़ के झड़ने लगा है। आपने पिछली बार डिस्टेम्पर या लाइम वॉश नहीं करवाया होगा। पहले हम ये पुरानी परत निकालेंगे और वहाँ सिर्फ सैंडिंग की जरूरत होगी। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, हमने डिस्टेम्पर या लाइम वॉश नहीं कराया था, है ना? फर्नीचर या फ्लोरिंग तो खराब नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, बस ध्यान रखिए और जहाँ पेंट नहीं लगना है वहाँ प्लास्टिक और मास्किंग टेप का इस्तेमाल करिए।